अस्सलाम वालेकुम माय ट्रू फैमिली। और फाइनली मैं पाकुड़ से लचवन जा रही हूँ और एयरलाइन इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको दिखाऊँ तो फास्ट सीट नहीं है, नॉट गुड क्वालिटी, जहाज़ बड़ा है बट यहाँ स्कैम भी बहुत ज़्यादा है, इतनी आसानी से टिकट मिलता नहीं है। और टिकट जो है 70 मनात लिखा है, वहाँ 90 मनात और अपनी मुँह मांगी, एयरलाइन वाले जो है इस तरह से करते हैं। और अच्छा जगह से आपको मैं दिखा सकती हूँ, यहाँ से देखें पर 70 मनात में वेरी एक्सपेंसिव है। वन आवर्स की ये फ्लाइट है और लचवन पे ही मुझे लेके जाएंगे। मैं यहाँ से पार्क से लचवन जाऊँगी, वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और वहाँ से मुझे लचवन जो है इनका ही एक सिटी है, लेकिन बीच में आर्मी नहीं आ जाता है तो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हमें ये एयरलाइन लेनी पड़ती क्योंकि बस की फैसिलिटीज नहीं है और ज़मीन लैंड यानी कि परमिशन नहीं है, तो ये एयरलाइन के ज़रिए जाना पड़ता है। चूँकि एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, इतना मुश्किल करना नहीं चाहिए जितना इन्होंने कर रखा है। बाहर का व्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आगे चल के आप उसके सेकेंड स्टेप पर बताऊँगी कि अब हम अज़रबैजान से बाकू से लचवन और लचवन से हम टर्की कैसे जाएंगे, तो ये टू भी कंटिन्यू रखेंगे। और थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप बजट कंट्रोल करना चाहते हैं तो और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मेरी तरह तो कर लीजिएगा। और ये कि थोड़ा मज़ा आए, थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर ब्लैकमेलिंग बहुत है, स्कैम्स बहुत है, तो सेफ तो हमें हर जगह रहना होता है और रहना भी चाहिए। तो आगे कंटिन्यू रखूँगी मैं और आगे बताऊँगी कि क्या है, क्योंकि इससे ज़्यादा बात करना भी मुनासिब नहीं है। अच्छा है, नो डाउट कंट्री बहुत खूबसूरत है, विज़िट करना चाहिए, चीप कंट्री है, बट जो खाना पीना चीप है एक्सेप्ट और एवरीथिंग वेरी एक्सपेंसिव है, जो मैंने फील किया है। खाना पीना हमें ऐसे फील हो रहा है क्योंकि हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं कि 2 मनात 3 मनात में चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अगर 3 मनात को अगर मैं टर्किश लीरा में देखूँ तो वो 30 लीरा बन रहा है। और पाकिस्तानी कैलकुलेशन मैं भी कर नहीं पा रही, इतना मेरा अच्छा दिमाग नहीं है कि मैं एकदम से कैलकुलेशन करूँ, तो बाद में मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। और तो खाना पीना चीप है और अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिए, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।